अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची चिकन स्ट्रिप्स की रेसिपी है। बहुत ही मजे का बनता है इसे। देखिए मैंने रेड चटनी के साथ सर्व किया है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने 250 ग्राम जो है बोनलेस चिकन ले लिया। इसे इस तरीके से लंबे लंबा मैंने घर में ही कट किया है। मैंने लेग का बोनलेस लिया है, लेग का ही लीजिएगा। उससे क्या होगा, बहुत सॉफ्ट एंड जूसी बनेगा। इस तरीके से देखिए लंबा लंबा पीसेस में इसे हमें कट करना है। उसके बाद हमें इसे मैरिनेट करना है। देखिए इसका पानी अच्छे से आपको ड्रेन कर लेना है मैरिनेट करने से पहले। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश ही यूज करिएगा, उससे जो बहुत मजेदार बनेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ व्हाइट मिर्चों का पाउडर। आपके पास नहीं है तो ब्लैक मिर्चों का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर। अब मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ इसमें टमाटो केचप। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो है सोया सॉस। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर मिल्क। देखिए बटर मिल्क मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक एज पर टेस्ट, क्योंकि मैंने सॉस और टमाटो केचप भी ऐड किया है, तो जरा नमक को ध्यान से इसमें ऐड करिएगा। अब इसे अच्छे से सबको जो है हमें मिक्स कर लेना है इस तरीके से, क्योंकि हमें मैरिनेट करके इसे साइड पर छोड़ना है। बटर मिल्क अगर आपके पास ना हो, दही में थोड़ा सा नमक और पानी, हल्का नमक पानी शक्कर थोड़ा हल्का सा मिला के उसे मिक्स कर लीजिए। देखिए मैरिनेट हो चुका है। अब इसे 15 मिनट पे रख देते हैं साइड पे। 15 मिनट हमारे जो है वो हो चुके हैं, हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा। मैं इसमें 1 अंडा ऐड कर रही हूँ। आप अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से जो है क्वांटिटी जो है मसालों की जो चीजों की है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जिस तरीके से क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ उस तरीके से ऐड करिएगा, तो बहुत ही मजेदार आपके जो है चिकन स्ट्रिप्स बन के रेडी होंगे। अब देखिए ये हमें इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लेक्स में, इसकी कोटिंग करना है कैटलॉग्स के अंदर, सॉरी जो कैटलॉग्स को अच्छे से इस तरीके से हाथ से देखिए इस तरीके से क्रश कर लेना है। देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से इसे क्रश कर लेना है कैटलॉग्स को। अब देखिए हमारी जो है चिकन भी मैरिनेट हो चुका है, हमारा कैटलॉग्स भी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक एक चिकन लेके अच्छे से हाथों का यूज करके इसे प्रेस करके उसकी जो है वो कोटिंग करेंगे। एक एक कोटिंग करके हम साइड पे रखते जाएंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए हाथों का यूज करके थोड़ा प्रेशर लगा के अच्छे से इसकी कोटिंग करना है। अब देखिए मैंने एक कर ली है, अब मैं दूसरा जो चिकन है उसकी भी कोटिंग कर लेती हूँ अच्छे से। देखिए कोट हो गया है इसका। देखिए अब इसको साइड पे रख लीजिए और साइड बाई साइड आप ऑयल गर्म होने के लिए जो है वो रख दीजिए। ऑयल को ना ज्यादा हमें गर्म करना है ना ज्यादा ठंडा रखना है, मीडियम पे रखना है, क्योंकि जो हमारा चिकन है वो कच्चा है, अंदर से कुक होना चाहिए। तो ऑयल हमें एकदम ज्यादा गर्म नहीं करना है। देखिए ऑयल हमें जितना चाहिए उतना गर्म हो चुका है। अब एक एक करके मैं अपने चिकन स्ट्रिप्स जो इसमें ऐड कर लेती हूँ। जो हमारा कैटलॉग्स है देखिए वो एकदम जलना नहीं चाहिए। आप मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये स्टेज पे मैंने गैस की फ्लेम को जो है वो मीडियम पे रखा है, मैंने हाई नहीं किया है गैस की फ्लेम को, ताकि चिकन हमारे जो है वो अच्छे से कुक हो जाए अंदर से। देखिए इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे कुक करना है। देखिए आप चाहे तो मैरिनेट करते हुए चिकन को 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया, नहीं तो वो बहुत ज्यादा ही जो वो कड़क हो जाते हैं अंड, क्योंकि हम इसपे कॉर्नफ्लेक्स की जो कोटिंग करते हैं उससे जो ये ऑलरेडी क्रिस्पी हो जाते हैं, इसके लिए मैंने नहीं ऐड किया। जिसको ज्यादा क्रिस्पी चाहिए तो वो कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है टोटली। देखिए इस तरीके से मेरा जो है चिकन स्ट्रिप बनके रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप। इसे वापस से हमें फ्राई करने की भी जरूरत नहीं, इसी स्टेज पे एकदम क्रिस्पी हो गया है और हमारे चिकन अंदर से एकदम पक चुके हैं, क्योंकि हमने इसमें बटर मिल्क ऐड किया था और सॉसेस के जो खट्टेपन थे वो भी इसकी वजह से हमारे चिकन एकदम अच्छे से गल चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं। अब मैं दूसरा जो है वो भी ऐड कर लेती हूँ और बाकी सब फ्राई करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें ऐड किया है। देखिए फिर से मैंने तेल को एकदम गरम वरम नहीं किया है, जितना था वही आंच पे मैं इसमें गरम कर रही फ्राई कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से चलाते हुए मैं इसे कुक कर रही हूँ अच्छे से, और निकालते वक्त जो इसका ऑयल है वो अच्छे से जो है निकाल दीजिएगा। ये बहुत ही मजे के बनते हैं और बिल्कुल होटलों जैसे बनते हैं चिकन स्ट्रिप्स, और बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट फास्ट बनने वाली ये रेसिपी है। रमजानों में तो ये बहुत ही
अफतारी में मजेदार लगेगी, आपको जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपको लगी कैसे। मैं आपको मिलती हूँ सर्व करने के बाद। देखिए रेडी है हमारे चिकन स्ट्रिप। अब ये स्टेज पे हम क्या करना है, गरम गरम चिकन स्ट्रिप में हाफ टी स्पून के करीब हमें मिर्ची पाउडर ऐड करना है और हाफ टी स्पून के करीब ही हमें ऐड करना है चाट मसाला। आप चाहे तो ये स्टेज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज से करने से देखिए आपके चिकन स्ट्रिप और मजे के लगेंगे और बहुत ही फ्लेवरफुल लगेंगे। इस तरीके से गरम गरम में ऐड करके हाथ से मिक्स कर लिया या कोई बड़े बर्तन में ऐड करके और इसे इस तरह हाथों के यूज करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए रेडी है हमारे चिकन स्ट्रिप, बिल्कुल खाने के लिए रेडी है, इफ्तार के लिए रेडी है। जरूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी चिकन स्ट्रिप्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, उससे आने वाली सबसे पहले रेसिपी आपको मिलेगी। देखिए इसको जो मैंने लाल चटनी के साथ सर्व किया है, आप सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पिज्जा सॉस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही क्रंची है, बहुत ही यम्मी बन के ये रेडी हुए, अंदर से भी बहुत ही टेंडर हो चुके थे। चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।